हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? कोरोना से बच के रहना भाई सभी लोग। चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज मंडे है और लेक्चर नंबर 7 की हम लोग बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 7 की स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे। ओके चलिए देखिए, आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है बच्चों, वह है आइडियल गैस इक्वेशन। जहां हम लोगों ने लास्ट टॉपिक को छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बताता हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, कुल मिलाकर बच्चों, हम आइडियल गैस की तीन इक्वेशंस पढ़ते हैं। अब वो हमें देखनी है कि तीन इक्वेशंस है क्या क्या। देखिए, आइडियल गैस की जो पहली इक्वेशन हमारे सामने आती है बच्चों, वह है PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास में स्टूडेंट आइडियल गैस की फर्स्ट इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि P क्या है बच्चों। P है प्रेशर, P हो गया है प्रेशर, V हो गया है वॉल्यूम, N हो गया है नंबर ऑफ मोल, R हो गया है गैस कांस्टेंट, और T हो गया है टेम्परेचर। ये कुल मिलाकर इतने सारे रिलेशन्स हैं हमारे पास में, मतलब इतनी सारी टर्म्स हैं हमारे पास में, मतलब जनरली यार, जब हम लोग 11th या 12th क्लास में या कंपटीशन लेवल पर पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर जगह हमें यही बताया जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में ये होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, ये तो श्योर है, पक्का बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में आइडियल गैस की इक्वेशन हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी होती है। बच्चों, हमारे पास में आइडियल गैस की जो दूसरी इक्वेशन है वो है ये PV इज इक्वल टू NKT। वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारी जगह हम लोग इस सीधे फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो, आप थोड़ा सा गौर करो, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज में लेकर आएंगे जब बात होगी नंबर ऑफ मोल की, और ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज में लेकर आएंगे जब बात होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। सिर्फ दो टर्म बदले हैं, एक का नाम है N और एक का नाम है K। बच्चों, इस N को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, इस N को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और K हमारे पास में कहलाएगा बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात होगी आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, और जब नंबर ऑफ मोल की बात होगी तो आपको ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। अब N तो यार हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और K हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी। देखो, K की वैल्यू रहने वाली है 1.38 × 10²³ जूल पर केल्विन। स्टूडेंट, ये हमारी K की वैल्यू रहने वाली है, जिसे हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो अभी तक हमारे पास में आइडियल गैस की दो इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट फॉर नंबर ऑफ मोल, जहां नंबर ऑफ मोल की बात होगी हम वहां ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जहां बात होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वहां हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और बच्चों, तीसरे नंबर पर हमारे पास में आती है इक्वेशन PV इज इक्वल टू smRT। देखिए, थर्ड इक्वेशन हमारे पास में यह है स्टूडेंट, PV इज इक्वल टू smm/rT। भैया, P क्या है? P प्रेशर है। V क्या है? V वॉल्यूम है। T क्या है? टेम्परेचर है। देखो, तीनों इक्वेशन में तीन चीजें नहीं बदल रही हैं, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और T टेम्परेचर है। वो तीनों इक्वेशन में कॉमन है, PVT, सिर्फ बदल जाता है ये दो टर्म, ये स्टार्टिंग के दो टर्म बदल जाते हैं। तो यहां देखिए स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है बच्चों हमारे पास में गिवन मास, कोई भी मास हमें दे रखा है वो स्मॉल m है, और स्मॉल r का नाम है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट।
बच्चों स्मॉल आर का नाम है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्मॉल आर की जो वैल्यू रहेगी स्टूडेंट, उसका नाम रहेगा कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल आर का बच्चों नाम है गैस कांस्टेंट, जो ऑलरेडी मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी तीन वैल्यूज रहती हैं। एक वैल्यू रहती है 0.0821, एक वैल्यू रहती है 1.98, एक वैल्यू रहेगी 8.31। ये जूल में है, ये कैलोरी में है, ये लीटर और एटीएम में है। ये तीन वैल्यूज रहेंगे। स्मॉल आर की वैल्यू हमारी ये होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी ना, वो उस गैस के लिए मैक्सिमम होगी जिस गैस के लिए कैपिटल एम की वैल्यू मिनिमम होने वाली है। अब तुम मुझे ये बताओ, कौन सी गैस का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होता है? अरे कोई भी बता देगा यार, नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता है। जो सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस होती है वो सबसे हल्की गैस होती है, तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन के लिए स्मॉल आर की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है, और वो रहेगी कैपिटल आर अपॉन टू। स्मॉल आर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी हाइड्रोजन के लिए, और वो रहने वाली है कैपिटल आर अपॉन टू। तो कुल मिलाकर रिजल्ट हमारे सामने यह आता है बच्चों कि हमारे पास में आइडियल गैस की तीन इक्वेशन है। फर्स्ट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सेकेंड, पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन कैपिटल के टी। और थर्ड, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। दिस इक्वेशन इज यूज फॉर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड गिवन मास। ठीक है, तीनों इक्वेशन आपके सामने है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों कि कौन सी इक्वेशन हमें कहाँ अप्लाई करनी है। ठीक है, ओके, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस पूरी कंडीशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो ये बात मैंने आपको बताई है ये नहीं भूलनी है। ये लीटर एटीएम, हालांकि मैं कल इनकी यूनिट भी लिख चुका हूँ आपके सामने, ये लीटर एटीएम में है, ये कैलोरी में है, और ये जूल में है। आर की यूनिट का याद रखने का तरीका है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है बच्चों हमारे पास में। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से, मैं आपको बताता हूं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। कैसे हम लोग बात करते हैं जरा इसकी, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी बनती रहती है। देखिए, मान लेते हैं कि एक कंटेनर है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है जो रेंडमली मोशन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब ये गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार के ऊपर जाकर प्रेशर अप्लाई करेंगे। हमें ये देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कंटेनर की दीवार के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है 1/3 रो वी आर एम एस का होल स्क्वायर। गौर करें हम मेरी बात के ऊपर, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये कंटेनर की दीवार के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं। मॉलिक्यूल जाएंगे भाई, मान लो कि ये रूम है हमारा, इस रूम के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होंगे। वो गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली मोशन कर रहे होंगे, जाएंगे दीवार से टकराएंगे, फिर इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका फॉर्मूला सीधा हमारे सामने है। अब पी को तो बताने की जरूरत नहीं है कि पी क्या है। हाँ ये बता देता हूँ, ये क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, और बच्चों इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके स्टूडेंट, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इतना प्रेशर अप्लाई होगा कंटेनर की दीवार के ऊपर। अच्छा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये देखिए, और हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3। देखो रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और ये हो जाएगा हमारे पास में वी आर एम एस का होल स्क्वायर। डेंसिटी को मैंने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम। इसके आगे हम कैसे लिखेंगे, v की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर करिएगा। देखो हम लोगों ने लिखा पी वी इज इक्वल टू 1/3, हमने दो से यहाँ मल्टीप्लाई किया बच्चों,
हमने दो से यहां मल्टीप्लाई कर दिया और दो से मल्टीप्लाई करके हमने दो से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, हमने दो से मल्टीप्लाई किया और दो से डिवाइड किया, ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ? अब आप ये देखिए कि ये क्या बन गया हमारे पास में, हाफ एम वी स्क्वायर। और मुझे लगता है कि फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कोई है ही नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक हर जगह इसका यूज आता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में हो गई, सो कंडीशन बन गई पी वी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट हमारे पास में बन चुका है PV इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसके ऊपर ना सीधा थियोरिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, वॉट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। आगे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे। देखिए अगर मैं चाहूं तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। भाई मैंने अभी जस्ट रिजल्ट बनाया है बच्चों, रिजल्ट मैंने बनाया है पी वी इज इक्वल टू 2/3 ई, ठीक है। देखो अगर मैं एक काम करूं तो मैं ई की देखो क्या वैल्यू यहां से निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पी वी। लो भैया ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई 3/2 पी वी। ध्यान से, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। आगे चलते हैं, E इज इक्वल टू 3/2 आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी को हम लिख सकते हैं एनआरटी। तो कंडीशन बन गई बच्चों हमारे पास में ये 3/2 एनआरटी, 3/2 एनआरटी। ध्यान से मेरी बात सुने आप लोग, 3/2 एनआरटी। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो देखिए मैं क्या रिजल्ट बनाऊंगा यहां से। मैं रिजल्ट लिखूंगा बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ई इज इक्वल टू 2/F एन आर टी। वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन बच्चों मेरे पास में बन गई, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये है F/2 एन आर टी। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा टर्म क्या है। देखो बच्चों एन तो है नंबर ऑफ मोल, आर है गैस कॉन्स्टेंट, टी है टेम्परेचर, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं यहां इसकी बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपके सामने एफ का नाम लिख रहा हूं बच्चों। एफ का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मैंने आपके सामने सिर्फ एफ का नाम लिखा, एफ का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अगर मुझे स्टूडेंट निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, भैया मुझे इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज निकालना है, देखो बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए आप, ये तो इंटरनल एनर्जी हो गई। अगर मुझे चेंज निकालना है तो चेंज का फॉर्मूला होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 2/F एन आर डेल्टा टी। देखो अगर इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आया तो इधर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाएगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी वो उसी गैस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि नीट वाले स्टूडेंट के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये आपके सामने रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी के बीच, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ई इज इक्वल टू 3/2 पी वी एन फोर वन मोल, एक मोल के लिए बनेगा 3/2 आर टी या 3/2 एन आर टी। और अगर हमें किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है, और अगर चेंज निकालना है तो ये फॉर्मूला है F/2 एन आर डेल्टा टी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल की बात होगी, देखो ये फॉर्मूला तो भाई हमारे पास में मोल के लिए है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं बच्चों, एक छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात होगी तो आपको एक बहुत मामूली सा काम करना है,
नंबर ऑफ मोल को रिप्लेस कर देना है मॉलिक्यूल के साथ और आर को रिप्लेस कर देना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ। अगर मॉलिक्यूल की बात होगी तो आपको एक काम करना है, नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूल के साथ में रिप्लेस कर देना है, नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूल के साथ में रिप्लेस कर देना है और आर को रिप्लेस कर देना है के साथ, रिप्लेस करना है, इक्वल रिप्लेस कर देना है। ये ऐसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, स्मॉल एन की जगह आप लोग रखेंगे कैपिटल एन और आर की जगह आप लोग रखेंगे के, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एफ बाय टू एन के डेल्टा टी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा, ये मॉलिक्यूल के लिए है और ये मोल के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको आइडियल गैस की तीनों इक्वेशन के बारे में बताया, PV इक्वल टू एन आर टी फोर एन मोल ऑफ गैस, PV इक्वल टू कैपिटल N कैपिटल K T फोर एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, PV इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल r T फोर गिवन मास, m मास आपको कोई गिवन दे रखा है उसके लिए वो कंडीशन बनेगी। ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 बाय 2 PV, PV को हम लिख सकते हैं nRT, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 बाय 2 nKT। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस दिस, ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम है और मॉलिक्यूल के लिए ये फॉर्मूला होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगी बात। क्वेश्चन आया डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, मैं सिखाऊंगा, एफ की चिंता बिल्कुल ना करें। आपको सिर्फ इतना आएगा कि भाई हमने टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ाकर इतने डिग्री कर दिया, हमने टेम्परेचर 20 से बढ़ाकर इतना कर दिया और हमारे पास में इतने मॉलिक्यूल हैं, बताइए इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो सीधा फॉर्मूला है आपके पास में, एफ निकालना मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करिएगा। आपको सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां रखना है, के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और टेम्परेचर का डिफरेंस रखना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन की बात हो गई है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर की बात हो गई है और ये हमारे पास में बात हो गई है इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तुरंत इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से काफी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों और इस पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग ध्यान रखिए मेरी बात को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल होती है उनकी कौन कौन सी स्पीड होती है। देखो मान लो कि एक गैस के पास में 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 100 के 100 मॉलिक्यूल एक जैसी स्पीड से बिल्कुल नहीं चल रहे होंगे, ऐसा होगा कि 100 में से 50 मॉलिक्यूल एक स्पीड से चल रहे होंगे, बाकी के जो 50 बचे उसमें से 25 मॉलिक्यूल एक स्पीड से चल रहे होंगे, जो बाकी के 25 बचे वो अलग स्पीड से चल रहे होंगे। यानी किसी भी गैस के सारे मॉलिक्यूल एक स्पीड से कभी नहीं चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलते हैं और उसी टॉपिक की हम लोगों को यहां बात करनी है स्टूडेंट, कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मोशन करेंगे उनकी स्पीड रहने वाली कितनी है। तो बच्चों हम लोगों ने एक काम किया, हमने किसी भी गैस की स्पीड को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। मैं तीन बॉक्सेस आपके सामने बना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी भी गैस की स्पीड को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। देखो पहली स्पीड का नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब आप देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड रहने वाली कितनी है, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3PV अपॉन कैपिटल M। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन जब आपको इसके ऊपर बताऊंगा ना आपको खूब मजा आने वाला है इसके अंदर और बड़े आराम से आप प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों। ये VRMS की वैल्यू है, अंडर रूट 3PV अपॉन कैपिटल M। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होगा, नाइट्रोजन का 28 होगा, तो हमें कैपिटल M की वैल्यू पर ध्यान रखना है। P गैस का प्रेशर है, V उस कंटेनर का वॉल्यूम है जिसके अंदर मैंने गैस को कन्फाइन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने गैस को बंद किया हुआ है, और कैपिटल M गैस का मॉलिक्यूलर मास है। एक और फॉर्मूला है स्टूडेंट, फॉर्मूला है 3RT कैपिटल M।
थ्री पी वी अपॉन कैपिटल एम, थ्री आर टी अपॉन कैपिटल एम, अगर बात हो रही है वन मोल की, ध्यान रखिएगा एक मोल की बात हो रही है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वी आर एम एस इज इक्वल टू थ्री के टी अपॉन स्मॉल एम। ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या किया, आर को रिप्लेस कर दिया के से और कैपिटल एम को रिप्लेस कर दिया स्मॉल एम से। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने बच्चों क्या किया, हमने आर को रिप्लेस कर दिया के से और कैपिटल एम को रिप्लेस कर दिया स्मॉल एम से। स्मॉल एम का मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब है स्टूडेंट कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, और के का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और स्मॉल एम का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। तो बच्चों ये हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ों को हम लोग छोड़ कर चलते हैं, हम लोग फॉर्मूले तो पढ़ लेते हैं, फॉर्मूलों को रट भी लेते हैं, क्वेश्चंस भी उनके ऊपर कर लेते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला जो बेसिक बात हमें कहना चाहता है ना, उस बेसिक बात को हम छोड़ देते हैं। हमें हर पॉइंट पर गौर करके चलना है। जैसे कि हमें ये कहा, एक मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से मोशन कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से मोशन कर रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से मोशन कर रहा है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक गैस के पास में तीन मॉलिक्यूल हैं, एक की स्पीड है V1, दूसरे की स्पीड है V2, तीसरे की स्पीड है V3। हमें यह कहा गया कि बताइए इन तीन स्पीड का आपको VRMS निकालना है, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें निकालनी है। तो देखिए VRMS कितना हो जाएगा इन तीन मॉलिक्यूल के लिए, VRMS इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये VRMS की वैल्यू है बच्चों, ये हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, सारे मॉलिक्यूल एक जैसी स्पीड से नहीं चलते हैं, हमने सारे मॉलिक्यूल की स्पीड को कैटेगराइज कर दिया है और तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी आप ये समझिए बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इतनी स्पीड से मोशन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्पीड है बच्चों, ये मॉलिक्यूल की मैक्सिमम स्पीड है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। यानी बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो VRMS से चलते हैं, बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो VRMS से चलते हैं, और ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है। तीन फॉर्मूले हैं, 3PV अपॉन कैपिटल M, 3RT अपॉन कैपिटल M, 3KT अपॉन कैपिटल M। मुझे उम्मीद है कि PV, KT इन सब का मतलब आपको पता होगा, P प्रेशर, V वॉल्यूम, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ठीक है, और K का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, और स्मॉल M का मतलब है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी VRMS की बात है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात है। नंबर टू देखते हैं स्टूडेंट, नंबर टू क्या है, देखिए नंबर टू हमारे पास में आता है बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब भाई एवरेज स्पीड, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इतनी स्पीड से मूव करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इतनी स्पीड से मूव करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इतनी स्पीड से मूव करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब यह है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास में इतनी स्पीड होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें तीन मॉलिक्यूल दिए, एक की स्पीड V1, एक की स्पीड V2, एक की स्पीड V3, हमें इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बहुत ही ईजी है एवरेज निकालना, तो यार हमें सिक्स क्लास के अंदर सिखा दिया जाता है बच्चों। एवरेज कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। एक गैस के पास में तीन ही मॉलिक्यूल थे और उन तीन मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड इतनी होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा भाई इसके अलावा भी इसके क्या कोई फॉर्मूले हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, एवरेज स्पीड का पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट 3PV अपॉन पाई कैपिटल M, 8PV अपॉन पाई कैपिटल M, सॉरी 8PV अपॉन पाई कैपिटल M। 8 तो कांस्टेंट हो गया, P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, पाई भी कांस्टेंट हो गया, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, 8RT अपॉन पाई कैपिटल M। ओके बच्चों,
तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 8 kt अपॉन पाई स्मॉल m। मैं फिर कह रहा हूं यार, ध्यान से, तुम सारे क्रैश वाले स्टूडेंट हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि क्या करना है। कैपिटल m मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, स्मॉल m सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। ये हमारे सारे एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं बच्चों, एवरेज स्पीड के, ठीक है। ओके, नंबर तीन पर बच्चों हमारे पास में आता है VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है भाई। हम लोग मान लेते हैं कि एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। हमने माना एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये उनका डेटा मैंने दे दिया, 5 मॉलिक्यूल मान लिए। पहला मॉलिक्यूल 1 ms/s से मूव कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल 2 ms/s से, फिर 1 ms/s से, फिर 2 से, फिर 1 से, ठीक है। देखिए हमें क्या कहा गया, हमें ये कहा गया कि आपको इन 5 का डेटा देखकर ये बताना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी। इन 5 का डेटा देखकर हमें ये बताना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी तो होगी कितनी, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कौन सी स्पीड ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। जैसे 9th क्लास के अंदर हम लोग मॉड निकालते थे ना बच्चों, मॉड कैसे निकालते थे हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मॉड निकालने का तरीका ये था कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। बताओ कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, यानी VMP की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1 ms/s। ये तो हो गया बेसिक मेथड बिल्कुल। जैसे यहां हमने इसका बेसिक फॉर्मूला ये बताया, यहां हमने इसका बेसिक फॉर्मूला ये बताया, यहां हमने ये बेसिक कंडीशन इसकी बता दी। इसके अलावा इसके क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, आसान है बिल्कुल। पहला फॉर्मूला 2 pv/M, दूसरा फॉर्मूला 2 rt/M, तीसरा फॉर्मूला 2 kt/m, ठीक है। ये मोल के लिए हैं दोनों फॉर्मूले, और ये मॉलिक्यूल के लिए है स्टूडेंट, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए और ये एक मोल के लिए, ठीक है। तो भैया उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। किसी भी गैस के पास में जो स्पीड होती है उसे मैंने आपके सामने बोर्ड पर अच्छे तरीके से लिख दिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ओके बच्चों, देखिए इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे बनती है बच्चों। मैं आपको एक छोटा सा नाम याद कराता हूं यार, ये नाम सब याद रख सकते हैं, राम के नाम से याद रखना है आपको, ठीक है। राम के नाम से आप कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है स्टूडेंट R, फिर A, फिर M। इसका मतलब ये है VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर A है एवरेज स्पीड उसके बाद में होती है, और फिर M है मोस्ट प्रोबेबल सबसे आखिर में होती है। VRMS इज ग्रेटर देन ऑफ VAverage इज ग्रेटर देन ऑफ VMP, ये हमारे पास में डेटा बनता है। राम के नाम से आपको याद रखना है, एक बार इधर जाना है, जब आप स्पीड की बात करेंगे तो इधर जाएंगे, और जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब आप अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है स्पीड किसकी सबसे ज्यादा है, VRMS की, तो VRMS रखने वाले मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे भैया। ऐसे मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे जिनके पास में ये स्पीड होगी, यानी RMS स्पीड से भागने वाले मॉलिक्यूल किसी भी गैस के अंदर सबसे कम होते हैं। उसके बाद नंबर आता है NVAverage का, और उसके बाद में नंबर आता है NVMP का, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राम के नाम से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, ध्यान रखिएगा RMS सबसे ज्यादा, देन एवरेज, देन VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है बच्चों, सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद RMS स्पीड, ये सबसे कम है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से भागने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज्यादा है। एक और कंडीशन आप इसके अंदर देखे क्या है, देखो हम लोगों ने पढ़ा VRMS इज इक्वल टू 3 pv/M, इसके बाद VAverage इज इक्वल टू अंडर रूट 8 pv
अपॉन पाई एम, उसके बाद वी एम पी इज इक्वल टू 2PV अपॉन कैपिटल M। बच्चों जस्ट अभी एक एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी गई थी, वी आर एम एस रेशो वी एवरेज रेशो वी एम पी रेशो वी एम पी, इन तीनों का रेशो कितना रहने वाला है। देखो पी वी एम पी वी एम पी वी एम तीनों में कॉमन है, जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो रेशो बनेगा अंडर रूट थ्री रेशो अंडर रूट एट अपॉन पाई रेशो अंडर रूट टू। लो भैया ये रेशो हमारे सामने बनने वाला है, ये तीनों का रेशो है, एवरेज स्पीड सॉरी आरएमएस स्पीड एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अभी तक की क्लास में हमने आपको बताया आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और उसकी क्या क्या फॉर्म है हमारे पास में। देन उसके बाद हमने आपको बताया कि कोई भी गैस कंटेनर की दीवार पर कितना प्रेशर अप्लाई करती है, फिर हमने प्रेशर में वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आपको बताया है और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताया है मोल के और मॉलिक्यूल के टर्म में। इसके बाद हमारे पास में आती है कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन कौन सी स्पीड से मूव करते हैं, इसकी बात हम लोगों ने देखी बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए पहले। तो बच्चों ये आपके सामने हमने अलग अलग स्पीड की बात कर ली है। ठीक है, अब यहां से हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। देखो अगला टॉपिक ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले अगले चैप्टर में भी उसका बार बार यूज होने वाला है। टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यार थियोरेटिकली, मैं बहुत थियोरेटिकली बात तो नहीं करूंगा, मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि आसान लैंग्वेज में आपको समझा दूं, क्योंकि हम लोगों को कॉमनली इसका यूज करना है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को सबसे पहले हम बताते हैं कि एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं एक आसान लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं बच्चों, तो इसका सीधा सा मतलब इस बात से है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने तरीके से मोशन कर सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल कितने तरीके से मोशन कर सकता है वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने वाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देखें, अगर कोई पार्टिकल एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक। मान लीजिए कि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कराने का मतलब क्या है, पार्टिकल आगे भी जाएगा पार्टिकल ऊपर भी जाएगा, बताओ कितनी डायरेक्शन कवर हो रही है, एक डायरेक्शन ये कवर हो रही है एक ये कवर हो रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी दो। समझ आ रही है बात आप लोगों को, तो पार्टिकल कितने इंडिपेंडेंट तरीके से मोशन कर सकता है वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चाहिए निकली हुई बिल्कुल सीधा, हमें बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े यार इसके ऊपर। तो इसके लिए ना हमें सबसे पहले गैसेस को पहचान करना पड़ेगा। देखिए मैंने पहली गैस का नाम आपके सामने लिखा मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम नियॉन ऑर्गन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक एटम है, इसके अंदर भी एक एटम है, इसके अंदर भी एक एटम है, तो जितनी भी मोनो एटॉमिक गैस होगी बच्चों उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है तीन। आप ध्यान रखेंगे, जितनी याद करना पड़ेगा यार, कुछ डेटा ऐसा है जो अच्छे से याद करोगे आप, ठीक है काम बन जाएगा तुम लोगों का। फिर जितने भी मोनो एटॉमिक गैस है उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू तीन है बच्चों। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ये नंबर वन हो गया हमारे पास में। इसके बाद हम बात करते हैं डाई एटॉमिक गैस की, डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, देखो डाई एटॉमिक गैस कैसे है, डाई एटॉमिक गैस जैसे कि H2 N2 O2 एक्सेट्रा, दो इसमें भी दो, देखो इसमें भी हमारे पास में दो एटम है, यहां भी दो है यहां भी दो है, तो ये डाई एटॉमिक गैस हो गई। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है स्टूडेंट 5, डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 5। ठीक है, ओके, ये दूसरे नंबर पे हो गया हमारे पास में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आता है बच्चों हमारे पास में ट्राई एटॉमिक
लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर। ट्राई एटॉमिक लीनियर का मतलब क्या है, जैसे कि CO2, भाई कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, कुल मिलाकर कितने हो गए, तीन एटम, ट्राई एटॉमिक हो गया। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो लीनियर बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बिल्कुल, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए स्टूडेंट, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है 7, आप याद रखेंगे। ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है 7, ओके स्टूडेंट। नंबर 4 पे हमारे पास में आता है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, आप ध्यान रखेंगे, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। लाइक जैसे कि वाटर है हमारे पास में, अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो ये आने वाली है 6। तो अभी ये 4 डेटा आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अभी एक बचा हुआ है, यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल कंडीशन पढ़ाऊंगा जो बचा हुआ है, उसका नाम है पॉली एटॉमिक, जिसके अंदर 3 से ज़्यादा एटम रहेंगे वो पॉली एटॉमिक हमारा कहलाएगा। अभी हमें सिर्फ 4 पर ध्यान देना है। मोनो एटॉमिक, जिसके अंदर सिंगल एटम है 3, डाई एटॉमिक जिसके अंदर 2 हैं 5, ट्राई एटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा ना लीनियर, तो इसके लिए हो गया है 7। और वाटर या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है यार, NO2 वगैरह कुछ भी हो सकता है, N2O वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी रहनी है 6, ठीक है। तो इन 4 डेटा को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे हम पॉली एटॉमिक की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। भाई हम लोगों ने F पढ़ लिया, F का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसके तुरंत बाद हमारे पास में एक टर्म आता है बच्चों, क्या है मैं आपको बताता हूं जरा। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के तुरंत बाद एक टर्म आता है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो जिन लोगों ने पीछे के लेक्चर पढ़े हैं उन्हें अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी कि स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम इसकी बात करके आए। स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 ग्राम या 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो स्पेसिफिक हीट है। बस यहाँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन लगा दी, उसका नाम है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है जब कॉन्स्टेंट प्रेशर हो, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होगी वो हमारी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कहलाएगी। स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो बड़ा ही शानदार है हमारे पास में, और वो ये है F/2+1 × R, F/2+1 × R। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखें, जैसे कि बात हो रही है N2 की, N2 यानी नाइट्रोजन, आप भी अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन कैसी गैस है, नाइट्रोजन है डाई एटॉमिक गैस। अब जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रहने वाली है 5, रहने वाली है 5, यहां वैल्यू पुट करते हैं तो CP = 5/2+1 × R, CP = 5/2+1, आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल में, काय में, जूल में, 2 होती है कैलोरी में, 8.31 होती है जूल में। अगर हमें आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7/2 × 8.31 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये सीपी की वैल्यू निकालने का तरीका है, आप ध्यान रखिएगा, ओके। इसके अलावा बच्चों दूसरी कंडीशन हमारे पास में आती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हमारे सामने आती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CV से। फॉर्मूला बड़ा इजी है और वह है FR/2। भाई यहां तुमने क्या किया था बच्चों, यहां तुमने किया था F/2+1 × R, और यहां सीधा क्या है FR/2। बस आपको F का नाम याद रखना है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5, ट्राई एटॉमिक है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो लीनियर है तो 7 और अगर नॉन लीनियर है तो 6,
पॉली एटॉमिक की बात हम आगे करेंगे जाके, आपको समझ आ जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं आप लोगों को, बड़े अच्छे से बात समझ में आएगी। तो ये कंडीशन हो गई हमारे बात में, हमारे पास में बच्चों सीवी की, ये हो गया है सीवी, ये हो गया है सीपी, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। ओके स्टूडेंट, ओके, तो तुरंत इसके बाद में देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास में आता है, हमारे पास में एक छोटा सा रिलेशन आता है बच्चों। रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, रिलेशन है सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर, मेयर फॉर्मूला इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर, सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, इसके अलावा एक और कंडीशन हमारे पास में आती है, ये एक स्पेशल कंडीशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ये हमारे पास में एक स्पेशल कंडीशन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए स्पेशल कंडीशन क्या है, बात हो रही है स्पेसिफिक हीट एट, बात हो रही है स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिसेंटली जेई के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये तो सिंपल हमारे पास में मेयर फॉर्मूला है, सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू आर, सो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, एक सिंपल सा मेयर फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारे सामने। अगर हम बात करें स्पेशल कंडीशन की, तो स्पेशल कंडीशन क्या है हमारे पास में, आप देखिए स्पेशल कंडीशन है स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला बनेगा सी पी माइनस के सी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एम। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बताता हूं, जेई के अंदर प्रॉब्लम पूछी गई बच्चों, जेई में सवाल पूछा गया था, ये था आपको ये जो स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास वाला रिलेशन है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा अभी स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास वाला जो रिलेशन है, ये आपको नाइट्रोजन गैस के लिए तैयार करना है स्टूडेंट, ये आपको तैयार करना है नाइट्रोजन गैस के लिए, N2 गैस के लिए आपको ये रिलेशन तैयार करना है। अब कुछ भी नहीं है यार, बड़ा इजी है, CP क्या है, CP है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास, ये CP तो कॉमन CP है, ये है CP डैश CV डैश, CP डैश है क्या, CP डैश है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन गैस के लिए कैपिटल एम की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 28। फॉर्मूला बन गया सी पी डैश माइनस के सी वी डैश आर अपॉन 28, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, मैं एक बार ऑल क्लियर कर देता हूं, सी पी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, खत्म। ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है स्टूडेंट, तो भैया अब हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा तो पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने आपको बताया आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, तीन आइडियल गैस इक्वेशन हमने आपको बताई। दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, किसी भी कंटेनर की दीवार पर इतना प्रेशर अप्लाई होता है स्टूडेंट। फिर हमने आपको काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में और वॉल्यूम में रिलेशन बताया, इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोल, इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। फिर हमने आपको गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में बताया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एवरेज स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके स्टूडेंट, और लास्ट में हमने आपको बताया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और स्पेसिफिक हीट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों ये आपका मंडे का लेक्चर है और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, जो भी आप लोगों के डाउट्स रहें वो आप हमें कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। स्टूडेंट अब से आप लोगों के पास में कोई भी लिंक का एसएमएस नहीं आएगा,
आपको खुद ब खुद YouTube पर आकर सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत वीडियो का जो भी हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुँच जाएगा। तो अब से SMS नहीं आएगा आपके पास में। आप डेली मॉर्निंग 9 o'clock सुबह 9 o'clock बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आपके पास में वीडियो स्टूडेंट पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सुबह 9 बजे अपनी तीनों वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्रेश कोर्स और मैथमेटिक्स बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों।